हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ पूजा चावड़ा, अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बाहर गए थे पूरे महीने का राशन लेने के लिए, तो हम क्या क्या लेके आए हैं वो आपको दिखाएंगे और उसका प्राइस क्या है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको मोपुटू में, मोजाम्बिक में कितना मंथली एक्सपेंस होगा वो भी आपको पता चल जाएगा हमारे वीडियो में। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। सब कुछ यहाँ पे पूजा बताने वाली है आपको कि क्या कितना प्राइस है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये सब कुछ हम लोग आंजू करके यहाँ पे एक जो शॉप है वहाँ से हम लोग इंडियन सामान लेते हैं। और एक गीतू भाई करके एक अपने इंडियन है जिनकी भी घर के उधर ही उनके शॉप है, हम लोग वहाँ से ही सब कुछ ज़्यादातर सामान लेते हैं। तो वही सामान की क्या प्राइसिंग है हम लोग देखते हैं और कितना इसमें खर्चा हो जाएगा उसका भी अंदाजा आपको आ जाएगा। पूजा, तो अब आप बताओ कहाँ से शुरू करेंगे। पहले नाश्ता से शुरू करेंगे क्योंकि हम लोग गुजराती है तो हमारा नाश्ता ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग नाश्ते से शुरू करेंगे। चलो, ठीक बताओ। है तो इसका प्राइस मैं आपको सारा मेडिकल में दिखाती हूँ। और देखिए ये डोस है तो 180 का है, जैसे खारी 150 का है, फिर ये नाश्ता परेशान है 115 का है, खट्टा मीठा हल्दीराम का है। हाँ, और ये हल्दीराम का 115 है। अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अपने इंडिया में इसकी क्या प्राइसिंग आती है। फरारी चेवड़ा जो होता है गोपाल का 120 का, 115 का है। दाल शक्करपारा है जो कि 110 का है, ठीक है। फिर पोप्रिंस, पोप्रिंस बच्चों को बहुत पसंद आती है तो यहाँ पे तो ये 45 का मिला है। इंडिया में कितने का है आप बताना, ठीक है। और यहाँ पे बिस्किट वगैरह है 70, 80, 70, 60। हाँ, और 45 ये सारी प्राइसिंग है। हाँ, और यहाँ पे देखो सोन पापड़ी मिल गई हल्दीराम की तो हमने ले ली है, 150 की है। और ये सारे प्राइस हम मेडिकल में बता रहे हैं। और ये तानिया को बहुत पसंद है चोकोस, तो वो खाती है। और ये मखाना है जो कि 270 रुपए का है। और देखो हमें यहाँ पे क्या मिला है, डेट्स खजूर मिल गया है। तो पर्सनली हम सबको खजूर बहुत पसंद है। और देखते हैं अखरोट कितने का है वो बता दो। तो 550 550। हाँ, और ये है अखरोट 600 रुपए का है। हाँ, 1 किलो। हाँ, 1 किलो 600 रुपए का है। जैसे बेसन 180 का, और ये सारे कठोर है तो 170, चना दाल काला चना 140, मसूर दाल 170, 200 रुपया, तुवेर दाल, छोले 220, मूंग 150। और ये है जीरा, जीरा है 450 आधा किलो। और देखो यहाँ पे है तिल, बाजरा। हाँ, बाजरा है 160 रुपए। और सूजी 170, अजवाइन का, सॉरी मैं जरा भूल गई थी, ये अजवाइन है 350, 500 ग्राम। हाँ, 500 ग्राम है। और ये है किनवा, आप बताना आप लोग किनवा खाते हो या नहीं, किस किस को किनवा पसंद है। हम लोग खाते हैं किनवा, सबको बहुत पसंद है। किनवा है 375, वो भी है आधा किलो, नहीं 1 किलो है, 1 किलो है किनवा। और ये शुगर देखो भैया बहुत बहुत महंगी हो गई है, जैसे 100 रुपये की 1 किलो है। पहले 65-70 की मिल जाती थी और अभी तो 100 रुपया हो गया है इसका। फिर ये है पापड़, उड़द के पापड़ है 100 रुपये। तिल 85 रुपये। फिर ये है गूंद, गूंद को आप क्या बोलते हो मुझे बताना, ये 110 रुपये है। और कितना ग्राम है, 200 ग्राम, 200 ग्राम है 110 रुपये। और ये है पम्पकिन सीड, पम्पकिन सीड है 340 रुपये। और यहाँ पे देखो क्या मिल गया हमें इस बार, ये दाबेली का मसाला मिल गया है। मिलता है ऐसा नहीं है, 130 रुपया है, मिलता है ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जो भी चीज मिलती है वो जल्दी से खत्म भी हो जाती है तो स्टॉक करके रखना पड़ता है, तो जब जो मिल जाए वो उठा लो वरना फिर नहीं मिलेगा।
ये है सूंठ का पाउडर 90 रुपए, फिर ये कलौंजी है 90 रुपए, और टाटा सोल्ट 65, चिल्ली फ्लेक्स 165, ये 165 है, क्यूमिन सीड्स वो आ गया, क्यूमिन सीड आ गया, ओके। और ये पास्ता 140, बोंगरा जो फ्रेम्स बोलते हैं वो 100 रुपए, फिर ये पौवा है मक्के के पौवा, ऐसी ये पौवा है जो हम पौवा बटाटा बनाते हैं उसके, वो 1 किलो है 200 रुपए का, और ये है ओट्स, ओट्स है 2 किलो 400 रुपए का, और ये मेन हम गुजराती लोग को चाहिए ही चाहिए, गुजराती ने सबको चाहिए, इंडिया में सबको चाहिए ही रहता है, ये है गेहूं का आटा आशीर्वाद का 650 का है, और ये हिंग की डब्बी है गजलक्ष्मी 110 रुपया, ये इतनी छोटी सी 110 रुपए की है, और ये हिमालया चावल है ब्राउन राइस, ब्राउन राइस कौन खाता है, पहली बार एक्चुअली हम लोग ने लिया है, ट्राई इस बार ट्राई करेंगे कैसा है, 170 रुपया है 1 किलो, हाँ 1 किलो 170 रुपया, और ये है हल्दीराम घी 850 रुपया है 1 किलो का, रुपया नहीं मेडिकल, हाँ मेडिकल सॉरी वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ऐसे गुजराती हिंदी ऐसे, और यहाँ पे देखो ये मैगी का टमाटो सॉस मिल गया 350 रुपए का है, 350 रुपए का, फिर ये है स्वीट रोल चटनी, हमारे घर पे सबसे ज्यादा खाई जाती है, और खास करके तानिया को ज्यादा पसंद है, तो इसकी प्राइस है 195, और मायोनेस ये भी तानिया को बहुत पसंद है, ये 165, फिर हाँ मैं आपको भूल गई बोलना, हम लोग ना मिका में भी गए थे तो पता चला कि वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रमोशन था, बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छे प्राइस में मिल गई है, तो हमने देखो ये कितने अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट कप लिए हैं, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, आपको कैसे लगा बताना, देखो ये 4 कप लिए हैं हमने, ठीक है, और ये भी हमें थोड़ा सस्ता मिल गया है, 120 रुपए का मिल गया है, ये जाम है, मिका में भी प्रमोशन रहता है ना तो आपको अच्छे खासे प्राइस में मिल जाता है, और ये है जाम, और ये कितने का है अमित, 400 का, ये कितना ग्राम है, हाँ 250 ग्राम का है ये जाम, कितना 400 रुपए का है, ये छोटी सी बोतल, लेकिन ये ना जीरो शुगर, इसमें चीनी वगैरह नहीं है, प्योर है ये, इसलिए इसकी प्राइस ज्यादा है, और ये सब क्या है, ये है सिसमी ऑयल है, जो कि ये हमें पड़ा है 425 रुपए में मिला है सिसमी ऑयल, और हाँ हम वो रसोई का ऑयल जो एक्सेला यूज करते हैं वो इस बार हमारे पास था तो हमने नहीं खरीदा, ठीक है, वो कितने का आता है, वो ऑयल की 5 लीटर की बोतल 800 रुपए, 800 साढ़े 800, और हमने ना ये सब चीजें मिका में से ली है, ये सारी चीजें, कॉलीफ्लावर 150, और ये ब्रोकली काफी महंगी आई है 270 की है, और ये इंग्लिश कुकुम्बर 99 की है सिर्फ, और आप हमारे वीडियो अगर देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि बीच में कॉलीफ्लावर का प्राइस 350-450 ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन अभी यहाँ पे ठंडी शुरू हो गई है तो थोड़ा प्राइस कम हो गया है, तो ये एक अच्छा है, और देखो यहाँ पे है बनाना, ये भी हमने मेडिकल में से लिया है 42 रुपए मेडिकल के, और ये एप्पल है 89 के, और देखो ये इटालियन हर्ब्स है, और ऑर्गेनम है जो हम ज्यादा यूज करते हैं हमारे घर में, पास्ता स्पेगेटी में ज्यादा यूज करते हैं, सबको पसंद है, और ये स्पेगेटी है 145 रुपए की, 145, 145, 140, ये सब कुछ तानिया और आयुष को बहुत पसंद है, हाँ, तो टिफिन वगैरह में डालने के लिए काम आता है, है ना, हाँ, अभी और क्या बाकी रह गया, गुड़ है 160 रुपए का, ओके 160 रुपए का गुड़ है, फिर ये और ये घी है क्लोर ऑयल 180 रुपीज का है, 1.5 kg है ये, 1.5 किलो का है, हाँ 1.5 kg, लेकिन ये घी और ये घी में काफी फर्क है, ये वाला हल्दीराम का हमको पसंद है, ये इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगती है,
ये थोड़ा कम, तो फिर ये दिया बत्ती में भगवान के इसमें यूज होता है। ऐसा नहीं, हम भी यूज करते हैं, ऐसा अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन अभी आजकल ये पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं, ये खाया उसके बाद हल्दीराम का खाने के बाद ये पसंद नहीं आ रहा, कम आ रहा है, तो तो अभी कभी क्या कभी ना दिखा? मिले हल्दीराम का तो ये चल जाता है, क्योंकि हर बार हल्दीराम का नहीं मिलता है इसके लिए। अभी और ये है मिल्क पाउडर, 2.5 किलो का है वो, मिल्क एक पाउडर हजार 550 रुपए का है, ओके मेडिकल का, सॉरी। ओके। और और ये है हमारे मिल्क दूध, जो कि एक बॉक्स, 1 बॉक्स में 6 बोतल आती है, 6 लीटर आता है, तो ये है 440 का, नहीं 450 का है और ये। 6 बोतल 450 की। हाँ, वैसे तो और भी हमने ली हुई है, तो अभी लेकिन ये दूध का पाउडर और दूध दोनों क्यों लिया? हाँ, क्योंकि ये ना चाय कॉफी बनाने में यूज होता है, ओके। और ये चाय कॉफी बनाने में यूज होता है दूध, और ये पाउडर ना पर्सनली मैं इसका पनीर बनाती हूँ, तो हम लोगों को ये इसका पनीर बनाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, मिल्क पाउडर का, तो इसीलिए ये यूज किया। और कभी कभी मिठाई कुछ बनानी है तो मिठाई के लिए भी ये यूज करते हैं, और गुलाब जामुन ज्यादातर इससे बहुत अच्छे बनते हैं मिल्क पाउडर के। और ये है पैराशूट कोकोनट ऑयल, 650 मेडिकल के, ठीक है। और ये है डस्टबिन की प्लास्टिक, 99। और ये है मैसूर सैंडल सोप, 160 160 रुपए का। और यहाँ पे दूसरा क्या है, ये है बर्तन के लिए लिक्विड, हाँ, वो बर्तन का लिक्विड है। और ये अगरबत्ती है अगरबत्ती, 150, ये मिसवा कोलगेट 280। 80। और कुछ डॉग फूड है और और हैंड हैंड वॉश वॉश 110, और ये कॉकरोच के लिए, और ये है कपड़े धोने का पाउडर 260। मुझे ना पर्सनली ये जो दवाई है ना कॉकरोच के लिए, वो बहुत अच्छी आती है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, और वैसे कॉकरोच है तो नहीं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे दिख जाए तो थोड़े थोड़े क्या, दिन पे मार देना अच्छा मार रहता है। देना अच्छा है, तो हम लोग ना 15-15 दिन में एक बार लगा देते हैं, ताकि हो ही ना ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया है 1 महीने के हिसाब से, ऐसा नहीं है, ये कभी कभी क्या होता है कि 1 महीने से ज्यादा भी चल जाता है, लेकिन जो खत्म हो गया था वो सब कुछ हम लेके आए हैं, और थोड़ी बहुत चीजें जैसे कि राइस राइस और ऑयल, और और जैसे जैसे कि कि मसाले सारे, जैसे चटनी पाउडर, दाना ये बार जीरा, जो नहीं, इस मसाले बार नहीं रहते लेने हैं वो पड़े, इस बार हमने नहीं लिए हैं, और थोड़े बहुत कुछ कठोर भी नहीं लिए हैं, तो तो कभी ऑलमोस्ट कभी सब कुछ आ गया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमने ये सारी चीजों का खर्चा कितना लगा। तो हमने जो अंजू में से लिया था वहां पे 21,000 प्लस माइनस 21,000 हो गया, और जो दूसरी गुजराती की दुकान है गीतू भाई की, वहां पे तीन तीन 3,500 हो गए, और हमने मिका में से 6,000 का ये चीजें ली है, तो प्लस माइनस 30,000 आसपास हो गया है ये सारी चीजों का खर्चा। तो हम लोग 4 लोग हैं, तो हमें इतना खर्चा लगता है, कभी 25 लगता है, कभी 30 लगता है, तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो अगर यानी कि ऑन एन एवरेज 30 के आसपास हो जाता है। हाँ और हमारे बच्चे भी अभी बड़े ही हाँ हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, हाँ डिपेंड रहता है ना, किसी के घर पे ये ज्यादा चाहिए, दूध वो चाहिए, ज्यादा चाहिए, हमारे घर जैसे पे दूध दूध ज्यादा चाय चाहिए, कॉफी ज्यादा होती हाँ वो है ज्यादा होती है, और घी घी वगैरह भी, वगैरह महंगी ज्यादा चीजें होती भी है, ज्यादा है, हाँ तो ये तो सारे प्राइसिंग है और हमारे हिसाब से इतना खर्चा होता है। हाँ हर महीने में। और ये सारी चीजें ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने की है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने का, तो ज्यादा ही है, और बाकी रह गया है तो अभी सब्जी और फ्रूट वो बाकी रह गया है, तो वो हम जब लाएंगे तो वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हमें भी महंगा लगता है, लेकिन अभी यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर जैसा है देश वैसा भेष, जो भी है वैसा करना ही पड़ने वाला है। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी को मोजाम्बिक के बारे में या मपुटो के बारे में जानना है तो हमारी चैनल पे काफी वीडियोज है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड गुड बाय, बाय, टेक टेक केयर, केयर, नमस्ते। नमस्ते, बाय बाय।